हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के। अब गूगल शीट में ये दिक्कत आपको आ सकती है, ये दिक्कत आपको एक्सेल में भी आ सकती है। तो एक्सेल की बात करें या गूगल शीट की बात करें, दोनों ही में ये काम कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि कहा गया है कि ये +91 जो है ऐड कर दीजिए। तो आप जब +91 ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर तो +91 है नहीं, तो यहाँ पर जैसे ही आप +91 ऐड करते हैं ना, तो ये देखिए ये +91 ऐड किया और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ एरर हो जाएगा। इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमारे को क्या टास्क दिया गया है, हमें क्या टास्क दिया गया है कि इसमें आपको फॉर्मेट सेल्स का यूज नहीं करना है और +91 ऐड करना है हर नंबर के पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पर ये ऐसे लगा रहा हूँ और इसको ट्रैक कर दूंगा तो सारे नंबर्स में भी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर +94 हो गया है, मैंने प्रयास तो किया है लेकिन यहाँ +94 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ 91 करता हूँ, फिर एंटर करता हूँ, तो ये बार बार हमको करना पड़ेगा और +91 नहीं लग पाएगा। समस्या यही है कि +91 यहाँ पर नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे +91 कैसे लगाया जाए, सवाल यही है। ठीक है, तो +91 लगाना आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इन नंबर्स को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे जो भी आपको चाहिए ये पहले हटा दीजिए, यहाँ पर ये जो है ना इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ना नहीं था, समस्या ये थी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको एक बताता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का आपको यूज भी नहीं करना है, ये भी एक समस्या है। ठीक है, टास्क आपको ऐसा दिया गया है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइएगा और डबल कोट्स ओपन कर लीजिएगा। यहाँ लिखिएगा +91 इस तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा एंड। देख लीजिए यही फॉर्मेट आपको यूज करना है और इसको सेलेक्ट करिएगा और अब बस एंटर कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे सजेस्टेड फील्ड में कि यहाँ पर +91 ऐड हो चुका है। अब यही चीज आपको करनी होगी अगर एक्सेल में, तो एक्सेल में भी कर सकते हैं इसे। कैसे, आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर एक्सेल को ओपन करना है आपको, तो यहाँ पर एक्सेल का 2007 वर्जन है, इसी को ओपन कर लेता हूँ और इसी पे आपको करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेते हैं, इसी डाटा को पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए एक तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, दिक्कत करता है। ठीक है, अब साइज बढ़ा लेंगे तो ये फॉर्मेट फिर वैसे ही बन जाएगा जैसे आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेगा, इज इक्वल टू लगाइएगा और डबल कोट्स ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेगा डबल कोट्स में +91 जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा और इसको डबल कोट्स को क्लोज करके और यहाँ लगा लीजिएगा एंड। एंड लगा लिया, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे +91 ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे केवल 91 लगाया था मैंने, तो यहाँ पे +91 कर दूंगा तो यहाँ पे +91 ऐड हो जाएगा। ये देखिए ये +91। अच्छा, यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हो। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर आप स्पेस दे देंगे तो यहाँ पर भी स्पेस आ जाएगा। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पे स्पेस भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ बीच में स्पेस अगर आप दे देंगे तो +91 ऐड हो जाएगा और बीच में स्पेस भी आएगा। तो ये एक्सेल में करके दिखा दिया और इसके पहले गूगल शीट में दिखाया। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो इस तरह का, स्प्रेडशीट, आप आसानी के साथ कर सकते हैं ये तरीका आजमा करके अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए कि आपको फॉर्मेट सेल्स का यूज नहीं करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।